गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल विद्युत अभियांत्रिकी। इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स पे डिस्कशन चल रहा है हमारा। एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, ये वाले क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बायलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट्स एंड लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। तो बायलेटरल नाम से समझ में आ रहा है बाई डायरेक्शनल, और यूनिलेटरल यूनी डायरेक्शनल। तो देख लेते हैं बायलेटरल एलिमेंट्स क्या होंगे। तो बायलेटरल्स एलिमेंट जो होते हैं वो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होती, या इनकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहेगी फॉर ईदर डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो इट्स प्रॉपर्टी रिमेन सेम फॉर ईदर डायरेक्शन ऑफ करंट। एग्जांपल क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, अगेन सेम। कैसे, तो रेजिस्टेंस जो होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार वीडियो ऑन करके कि रेजिस्टेंस जैसे हमने यहाँ ले रखा है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर आप उसकी डायरेक्शन बदल भी दोगे, जैसे 150 ओम का आपका रेजिस्टेंस है, 144 समथिंग पड़ रहा है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस 10% तो एरर होता है ना, यहाँ स्पेसिफिकेशन में दिया होगा। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन बदल रहा हूँ तो भी ये सेम प्रॉपर्टी ऑफर कर रहा है, मीन्स सेम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बायलेटरल एलिमेंट, यानी बाई डायरेक्शनल। मीन्स रेजिस्टेंस विल बी रेजिस्टेंस फॉर बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट, सिंपल है, ठीक है। इंडक्टर भी वही होता है, कैपेसिटर भी वही होता है। तो यूनिलेटरल एलिमेंट क्या होंगे, यूनिलेटरल एलिमेंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है विद द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, डायोड। तो डायोड हमें मालूम है फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और रिवर्स बायस में देखो यहाँ पे पड़ रहा है रीडिंग 375 ओम समथिंग, और जब मैं इसकी डायरेक्शन बदलूंगा तो ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लिमिट, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, शॉर्ट सर्किट कर दूंगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ये डायोड चेक करने की एक मेथड भी होती है, ठीक है। आप मल्टीमीटर पे डायोड पे लाके रखें और एक डायरेक्शन पे इसका रेजिस्टेंस कम आना चाहिए, 0.373 मीन्स 373 ओम समथिंग, और दूसरी डायरेक्शन में इसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, डायोड जो हो गया, ये एग्जांपल हो गया आपका किसका, यूनिलेटरल एलिमेंट का। तो वापस से स्लाइड पे आ जाते हैं, एक बार डेफिनेशन वापस से देख लेते हैं। तो देयर प्रॉपर्टी रिमेन सेम फॉर ईदर डायरेक्शन ऑफ करंट, या बायलेटरल एलिमेंट्स डू नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन। तो रेजिस्टेंस जो है, अगर आर वैल्यू का है तो रेजिस्टेंस ही होगा, इंडक्टेंस दोनों डायरेक्शन के लिए सेम काम करता है, कैपेसिटेंस दोनों डायरेक्शन के लिए सेम काम करता है। तो आर एल सी जो है वो एग्जाम्पल है किसके, बायलेटरल एलिमेंट के या बाई डायरेक्शनल एलिमेंट के। तो आर एल एंड सी, सिमिलरली यूनिलेटरल एलिमेंट मैंने आपको बता ही दिया कि प्रॉपर्टी ऑफ यूनिलेटरल एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको डायोड बता दिया, एस सी आर, मॉसफेट, आई जी बी टी, ये बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट के, जिनकी करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। मीन्स अगर आप करंट इस डायरेक्शन में देंगे तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, तो ये रेजिस्टेंस क्या ऑफर करेगा, मिनिमम, और जब आप रिवर्स बायस में करंट देंगे तो क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ऑफर करेगा, जो फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में, आइडियल सिचुएशन में जीरो या मिनिमम ऑफर कर रहा था। तो ये हो गए यूनिलेटरल एलिमेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट पे। तो ये एकदम सिंपल सा नाम से ही समझ में आ रहा है, लम्प्ड का क्या मतलब होता है, कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट। तो जैसे हमारा ट्रांसमिशन लाइन है पावर सिस्टम में, आपने देखा कि जहां आप जनरेट करते हैं, ठीक है, वहां से बहुत डिस्टेंस पे आप ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू उस पावर को ट्रांसमिट करते हैं और फिर आप किसी सिटी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये क्या हो गया जनरेशन, ये हो गया आपका ट्रांसमिशन, और ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो होगी, मैंने बताया था इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी आ जाता है। तो क्या होगा, ये लाइंस, ट्रांसमिशन लाइन सपोज 1000 किलोमीटर की है या सपोज 100 किलोमीटर लॉन्ग है,
100 किलोमीटर लॉन्ग है या 500 किलोमीटर लॉन्ग है, तो इस 500 किलोमीटर लॉन्ग में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप निकाल के, अगर सपोज आर इज इक्वल टू 100 ओम, आपने क्या कर लिया कैलकुलेशन के लिए, इस पूरे सिस्टम को एक यहाँ एसी सोर्स दे दिया और एक रेजिस्टेंस बना लिया, जब आप इस आर की वैल्यू कंसीडर कर रहे हो किसकी, इस 500 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की, और यहाँ आर की वैल्यू आपने लिख दी 100 ओम, तो बिल्कुल इसी को मॉडल कर रहे हैं आप। बट एक्चुअल में क्या है, ये जो एलिमेंट है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग इट्स लेंथ, तो जब आप उसकी लेंथ के क्रॉस उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट हो जाता है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको। और जब आप उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, लम्ब्ड एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन लम्ब मीन्स कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट, एलिमेंट इन मोस्ट ऑफ द सर्किट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ, इस पॉइंट का मतलब मैंने आपको ट्रांसमिशन लाइन से समझाया। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, जब आप मोटर की मशीन की वाइंडिंग देखते हो तो जब वहाँ पे जैसे सपोज आर्मेचर वाइंडिंग है, उसका रेजिस्टेंस है आर इज इक्वल टू 1 ओम, तो जो 1 ओम है उस पूरे कंडक्टर के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट जब आप कैलकुलेट करते हो तो आरए को एक पॉइंट पे कंसीडर कर लेते हो और वो उसे किस फॉर्म में ले आते हो, लम्ब्ड फॉर्म में ले आते हो। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए या डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के लिए कंसीडर किए जाते हैं लम्ब्ड एलिमेंट, एक्चुअल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप के होते हैं। तो आई थिंक आपको दोनों ही सर्किट एलिमेंट के क्लासिफिकेशन समझ में आए होंगे। तो चारों क्लासिफिकेशन जो मेजरली यूज किए जाते हैं वो मैंने कवर कर लिए, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, लीनियर एंड नॉन लीनियर, बायलेटरल, यूनिलेटरल और लम्ब्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जनरल लॉज से शुरू करते हुए थ्योरम्स पे जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।